गाइस हर कोई बोल रहा है एलविश यादव को वोट दो, एलविश यादव को वोट दो, तो क्यों दे एलविश यादव को वोट? गाइस इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, कोई भी सोशल मीडिया खोल लो, आजकल बस सबसे पहला वीडियो वही आता है कि एलविश यादव को वोट करो, एलविश यादव को बिग बॉस जिताओ, वही हर जगह चल रहा है। मतलब क्यों दे एलविश यादव को वोट, तो वही मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। एक छोटा सा सिनेरियो देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसके चार ऑप्शंस रहते हैं और आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है, लेकिन वो चार ऑप्शन में आपने वो क्वेश्चन ही कभी कहीं नहीं सुना, वो क्वेश्चन सुना ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब वो किधर से क्वेश्चन आया क्या पता, आपने कभी पढ़ा भी नहीं, और ऑप्शन भी आपको मार्क करना है, तो आप कौन सा मार्क करते हो? तो मैं मेरा लॉजिक बताता हूँ कि मैं कैसे मार्क करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ रिलेट करता हूँ, जैसे वो चार ऑप्शंस में और क्वेश्चन में कोई रिलेट करता हूँ कोई चीज़, जैसे कुछ रिलेशन हो रहा है क्या दोनों में, कोई वर्ड का कुछ रिलेशन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगा के फिर मैं ऑप्शन मार्क करता हूँ। ज़्यादातर टाइम वो सही हो जाता है, वो ऑप्शन, वो आंसर सही हो जाता है। तो मेरा यही तरीका है, तो आप लोग का भी अपना तरीका कमेंट करना। तो यही तरीका मैं थोड़ा बहुत लगा रहा हूँ बिग बॉस पे वोट करने के लिए। मुझे वोट भी करना है और मैंने बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, मैं देखता ही नहीं कभी बिग बॉस, मुझे मतलब पसंद ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ यूजलेस ही चीज़ें दिखती है, तो मैं कभी देखता नहीं हूँ, ना ही मैंने आज तक कभी वोट दिया है। तो लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ एल्विश को वोट मैं क्यों दूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैंने वो क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल दिया, वैसे ही अभी ये भी मेरे लिए क्वेश्चन है। मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं, तो मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं कि भाई कौन जीतता है, क्या जीतता है, पता नहीं क्या होता है। बस इतना पता है कि भाई जीत जाता है, फेमस हो जाता है, और कोई नहीं भी होता है, और कुछ पैसे वैसे मिल जाते हैं, बस करियर बन जाता है, और क्या, किसी का नहीं भी बनता है। एलविश यादव की बात करूँ तो मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, बस वही इंस्टाग्राम ये सब पे जो छोटा मोटा रील आता था, वो भी म्यूजिक वगैरह बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के हीरो दिखा देते थे, तो अच्छा ही लगता है। आजकल तो वीडियो में एडिटिंग में सब हो जाता है, नॉर्मल इंसान भी क्या दिखने लगता है, वीडियो एडिटिंग में सब हो जाता है म्यूजिक वगैरह लगा के। ठीक है, तो वही है, तो मुझे बिग बॉस का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वोट देना है। तो अब मैं कनेक्शन ढूंढ रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन और ऑप्शन में कनेक्शन ढूंढता था, वैसे ही मैं एलविश यादव में और मेरे में कनेक्शन ढूंढ रहा हूँ। किसको वोट दूँ? पंखा बंद किया ना, गर्मी लग रही है बहुत रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेरे को वोट देना है, आंसर मुझे मार्क करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या रिलेशन लगाओ, तो बिग बॉस का तो कुछ आइडिया है नहीं, तो बस यूट्यूब में मुझे इंटरेस्ट है, और यूट्यूब पे मैं ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे ही डालने वाला हूँ, यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो इसीलिए आग बंद करके एलविश यादव को मेरा वोट। तो मेरा वोट जो है एलविश यादव को ही जाएगा, बाकी आप लोग भी डिसाइड कर लो, जिन्होंने पूरा बिग बॉस देखा है अपना टाइम इन्वेस्ट करके या वेस्ट करके जो भी मान लो, तो वो आप अपने हिसाब से वोट दे देना। बाकी जिन्होंने नहीं देखा है और जो लोग यूट्यूब देखते हैं, तो भाई वो भी यूट्यूबर है, तो एलविश यादव को आग बंद करके वोट दे दो। मतलब मैं दो लोगों को वोट दूंगा, एलविश यादव और फुकरा इंसान, रीजन वही है कि यूट्यूब कम्युनिटी से है, बस और कुछ नहीं। बाकी मुझे कुछ आइडिया नहीं भाई बिग बॉस का। बाकी आप लोग भी जिसको भी वोट देना है, जो यूट्यूब देखते भी है, तो यूट्यूब तो देखते हो ना, तो आग बन करके दो एलविश यादव और फुकरा इंसान को वोट भर भर के। ठीक है, चलो भाई लेट हो रहा हूँ, ये देखो ड्रेस पहन लिया मैंने, थोड़ा काम से बाहर जाना है, लेट हो रहा हूँ। आप लोग भी फटाफट भर भर के वोट डालो एलविश यादव और यूट्यूब कम्युनिटी को। बाकी ठीक है भाई, निकलता हूँ मैं, अपने काम पे निकलता हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी वोट डालो, बाय।